हेलो गाइस, आदाब, सत्यकार, नमस्कार। माय सेल्फ भरत पवार, स्वागत है वापस हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कक्षा 11th का एनिमल किंगडम में। आज हम पहुंच गए हैं राउंड वर्म, आप सब बोल सकते हैं एस्केलमेंथीस या बोल सकते हैं निमेंथेलमेंथीस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान गाइस, सब लोग ध्यान से पढ़े, बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पे समझनी है हमें। तो गाइस, लगातार आप लोग नोट कर रहे हैं कि हमने जो है आपको लैब के वीडियो भी देने शुरू कर दिए हैं, 11th 12th के भी बस तैयारी शुरू हो चुकी है 11th 12th की। कॉलेज के वीडियो आने शुरू हो चुके हैं, माइक्रो के राकेश पटेल के पार्ट 1 से 6 सीरीज में सारे वीडियो आना शुरू हो चुकी है। 12th क्लास का अगर हम बात करें तो वहां हमारे पास जेनेटिक्स चल रही है, 11th क्लास में हमारे पास में वो टॉपिक है एनिमल किंगडम चल रहा है, और 11th 12th क्लास की जो 11th की जो लैब की वीडियोस है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। तो गाइस, आपका मुझे प्यार इसी प्रकार मिलता रहे, और हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक गाइस पहुंचे तो आप सबको मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारे पास में टॉपिक है आज का प्लेटीहेलमेंथीस, या जिसे हम बोलते हैं एस्केलमेंथीस। क्या बोले यहाँ पे टॉपिक नाम हमारे पास में क्या है, एस्केलमेंथीस। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत स्मूथली चलना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लेटीहेलमेंथीस, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट वर्म। ओके, ये जो ऑर्गेनिजम्स कैसे जानना, एस्केलमेंथीस मतलब राउंड वर्म। क्या है ये, राउंड वर्म, यानी ये पूरी जो इनकी जो बॉडी कैसे बिल्कुल राउंड है, कैसे इनकी पूरी बॉडी राउंड है, इन्हें बोलते हैं राउंड वर्म। ओके, तो इन्हें आप निमेंथेलमेंथीस भी कह सकते हो, एस्केलमेंथीस भी कह सकते हो, इनको आप निमेटोड्स भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनको निमेटोड्स भी कह सकते हो। कई बार एग्जाम में एस्केलमेंथीस की जगह पे निमेंथेलमेंथीस लिखा आता है, क्या लिखा था, निमेंथेलमेंथीस लिखा आता है। तो गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, राउंड वर्म कह सकते हैं, निमेटोड्स कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। कहने का रीजन है बिल्कुल बहुत सिंपल, क्योंकि सर्क्यूलर बॉडी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो पूरी बॉडी की देखना सर्कुलर, आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम गोल लाइक होता है ना पाइप, बिल्कुल पाइप के जैसे की देखने का पूरी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। चलिए ध्यान रखना आगे से बचते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखना, तो इनकी बॉडी क्या बोला मैंने, सिलेंड्रिकल बॉडी। इनका जो बॉडी का प्लेन कैसा है, सिलेंड्रिकल बॉडी प्लेन एंड टैपरिंग एंड, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल है, मतलब बोलते हैं काजू का क्लिक करो दिस वन। ओके, यानी कि इनकी जो टैपरिंग ध्यान रखना वो कॉर्नर से ही बेंड हो रखी होती है। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए, एंड विदाउट सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी सेगमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे आप देख रहे हो उसमें, इसमें अलग अलग सेगमेंट मिलते ध्यान रखना, बट हमारे इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सेगमेंटेशन नहीं मिलता है राउंड वर्म के अंदर, बहुत ही स्मूथली पूरी बॉडी पाई जाती है, क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी ध्यान रखना, क्या बोला, सिमेट्री, तो कौन सी इसमें, बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी मेरे पास में, इनकी जो सिमेट्री वो कौन सी है, बायलैटरल। पता नहीं क्या बायलैटरल सिमेट्री, जहां हम लोग एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सेम बात करें यहां पर, कौन सी, जर्मिनल लेयर, तो कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी, ट्रिप्लो मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, क्लियर, बहुत सिंपल है। अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए अब बात इसकी हम डाइजेस्टिव, इसकी बात करते हैं डाइजेस्टिव की, तो इसमें कौन से प्रकार का बॉडी प्लेन, इसमें कौन सा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोला, ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट्स मीन ये हमारे पास में अगर ट्यूब है तो इसके अंदर भी ये ट्यूब है। ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब, इस प्रकार का देखा गया इसमें अरेंजमेंट मिलेगा। या अगर मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा होगा, कंप्लीट, दैट्स मीन यहाँ पे ऊपर क्या होगा आपका, माउथ, यहाँ पे एनस, दैट्स मीन बोथ आर सेपरेट, एनस एंड माउथ दोनों क्या अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है जनरल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लेन, क्लियर, बहुत सिंपल है। अगर हम इसकी बॉडी को देखें, अगर हम इसकी बॉडी को जब आप डायग्राम ड्रॉ करो ध्यान रखना, यहाँ पे इसकी जो पूरी बॉडी आप बनाओगे तो इसकी बॉडी पे कितनी लेयर है, कौन कौन से लेयर, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसकी बॉडी पे मिलने वाले लेयरों का अगर हम बात करें यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास यहाँ कितने अलग-अलग लेयर की है, मैंने तीन आपको यहाँ लेयर बताए। सबसे ऊपर की मेरे पास में कौन सी है, क्यूटिकल, कौन सी मेरे पास में, क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस एंड देन मसल्स लेयर। कितने लेयर है, इसके ऊपर तीन लेयर मिलती है, सबसे ऊपर क्यूटिकल, देन कौन सी मिलती है, एपिडर्मिस, देन कौन सी मिलती है, मसल्स लेयर मिलती है। अब क्यूटिकल का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूटिकल। ओके, तो मैंने बोला क्यूटिकल क्या, एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है क्यूटिकल, क्या है, नॉन लिविंग थिक एंड रेजिस्टेंट मटेरियल, जो बाकी जितने भी डाइजेस्टिव
एंजाइम नरेक्टना आते हैं इनको मारने के लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो इस पे अटैक नरेक्टना करते, तो इन लेयर को इसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या ध्यान रखना, क्यूटिकल नाम का मटेरियल पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिक रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब बात है इसके नीचे आने वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, तो क्या होती है कंटिन्यूस, मतलब पूरे में ध्यान रखना सर, अगर हम उसको ऐसे का अरेंजमेंट करें ये पूरी होती, जबकि ये जो है क्यूटिकल आपको यहाँ पे ऊपर जो डॉटेड है वो कौन सा फॉर्मेट है, क्यूटिकल है। सेकंड वाली कौन सी ध्यान रखना, पूरी वो हमारी एपिडर्मिस ध्यान रखना है। और एक होती है एपिडर्मिस के अंदर जो सेल है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, साइनोसिटिकल। ओके, साइनोसिटिकल, तो यानी इसके अंदर जो सेल्स मिलने वाली है आपकी एपिडर्मिस के अंदर एपिथेलियल सेल, वो क्या होने वाले टोटली मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन सी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब दैट मीन मोर देन वन न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसकी जो मसल्स ले जाने का, इसमें जो मिलने वाले जो मसल्स है मस्कुलर जो लेयर है वो ओनली फॉर उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कौन से रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें सर्कुलर मसल्स नहीं मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ध्यान रखना। राउंड वर्म के अंदर ओनली फॉर कौन सी मिलती है, ओनली एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती है। क्लियर, बहुत सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बोला स्यूडोसिलोमे, क्या बोला स्यूडोसिलोमे, दैट मींस बाहर कौन सी आपकी एपिडर्मिस, सॉरी एक्टोडर्म, अंदर कौन सी एंडोडर्म। जो मेसोडर्म ध्यान कहाँ मिलती है, पाउचेस के फॉर्म में मिलती है, पाउचेस के साथ में आपको मेसोडर्म मिलती है। इस प्रकार की जो सिलोमिया मिलती है ध्यान क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। ओके, नंबर पॉइंट टू, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, इनके अंदर कोई भी स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, बट इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, बॉडी फ्लूइड, वो बॉडी फ्लूइड का इतना प्रेशर होता है कि इनकी पूरी बॉडी शेप बदल जाती है रखना। तो बॉडी फ्लूइड के द्वारा इनकी जो बनने वाली शेप है ना, शेप क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्केलेटन बॉडी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। ओके, दैट्स मीन इनके अंदर प्रकार का कोई भी जो स्केलेटल सिस्टम नहीं होता नॉर्मली। ओके, बट इनमें जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड लिक्विड, वो लिक्विड का प्रेशर इतना होता है कि इसकी पूरी बॉडी एक शेप में आ जाती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम से बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम, यहां तक आने के लिए बहुत सिंपल है। और इनका जो रेस्पिरेशन होके से ध्यान रखना, बॉडी सरफेस से भरा होता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब बात करें इसमें एक्सिलेटरी सिस्टम, इसके अंदर बोला एच शेप, क्या बोला मैंने, एच शेप। देखिए आपको यहां दिखाया मैंने, ध्यान रखना इनका जो एक्सिलेटरी सिस्टम जो है पूरा क्या होता है, एच शेप पे होता है, क्योंकि ये जो जड़े ने ये पूरा ये जो है यहाँ से यहाँ है, ये जो ये में जो ये लंबे आपको दो डंडे दिख रहे हैं ना, डंडे इन्हें बोलते हैं कैंडल, क्या बोलते हैं कैंडल, क्या बोलते हैं कैंडल। ओके, तो इन्हीं कैंडल के साथ में इनके पास जो होते हैं रेंटिशेल, क्या होती है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं बीच में आपको दिखा रहा है मैंने यहाँ पे बना रही, कौन सी है, रेंटिशेल। ओके, और ये एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट ध्यान रखना प्रिपेयर होती है, और इसके ऊपर क्या होता है जर्म पोर, या हम क्या बोल सकते हैं एक्सिलेटरी पोर का ध्यान रखना, जिसके द्वारा ये बॉडी कैविटी के द्वारा वेस्टेज को लेके सीधा एक्सिलेटरी पोर से उस कचरे को बाहर फेंक देता है। क्या बोला, बहुत सिंपल ध्यान रखना, इनमें क्या कोई एक्सिलेटरी कैनल पाई जाती है, इसका एच शेप में आकार का ध्यान रखना, इसमें रेंटिशेल मिलती है, और ये ध्यान रखना एक्सिलेटरी पोर के द्वारा ये बॉडी कैविटी से मटेरियल को कलेक्ट करता है, वहां से कचरे को बॉडी की जो पोर है ध्यान रखना एक्सिलेटरी पोर वहां से उसको बाहर फेंक देता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या बोला ध्यान रखना, इसमें क्या मिलती है एक्सिलेटरी कैनल मिलती है, बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया, क्या बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, इसमें क्या मिलती है बॉडी कैविटी जो वेस्ट कहा होता है बॉडी कैविटी से वहां पर इसका एक्सिलेटरी पोर से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसका जो एक्सिलेटरी मटेरियल है वो कौन सा है, अमोनिया, कौन सा है अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना की राउंड वर्म्स का जो एक्सिलेटरी मटेरियल कौन सा था यहाँ पे अमोनिया, क्योंकि एक्वेटिक कंटेंट और एक्वेटिक में मोस्टली क्या आपको अमोनिया ही देखने को मिलेगा, मोस्टली बोला, क्या बोला मोस्टली। क्लियर, अब आ रही इनके नर्वस सिस्टम की, किसके इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम कैसा देखिए आप ध्यान रखना, तो ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम आपको बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिखाया ड्रॉ किया ध्यान रखना, ये आगे ना दिखते सर्कल है इसे बोलते हैं नर्व रिंग, ये जो ब्लैक लाइनिंग है इनकी पूरी बॉडी का इंटरनल सिस्टम है वो मैं आपको शो नहीं करके दिखा रहा हूँ, इसके बाहर आपको जो लाइनिंग दिखी ध्यान रखना, ये ऊपर की जो लाइनिंग है दोनों लाइनिंग दिस वन एंड दिस वन, इन्हें बोलते हैं नर्व कॉर्ड, क्या बोलते हैं नर्व कॉर्ड, यानी इनकी पूरी बॉडी में जो ध्यान रखना है इसमें लंबी सी ऊपर वाली डॉर्सल है जो वाली कौन सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और दोनों नर्व कॉर्ड के जंक्शन पे कहां इनके जंक्शन के मिलते हैं आपको नर्व रिंग मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रेन, क्या बोलते हैं इसका ब्रेन कहते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल है। ओके, और इसमें क्या बोला लॉन्गिट्यूडनल आपको यहां पे देखिए ध्यान, क्लियर है सेंस, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बंदों में बहुत खतरनाक लेवल के सेंसिंग करने का सिस्टम होता था, इसमें तीन प्रकार के पैपिली एम्फिडस एंड फैस्मिडस। ओके,
पेपिली एम्फिडस एंड फैस्मिडस, ओके, जो अगर किसे करेगा पूंछ के द्वारा सेंसी करेगा तो क्या बोला फैस्मी, एम्फी मतलब क्या बोला लीप, इनके जो आगे लीप के रखते हैं बोलते हैं ओके, जो कीमो रिसेप्टर ध्यान रखना होते हैं ओके, और पेपिली मतलब जो टंग के द्वारा जो उसकी जीभ के द्वारा जो सेंसिटिव होती है ध्यान रखना बोलते हैं पेपिली या टंग सेंसिटिव बोलते हैं। कहने के लिए अगर हम बात करें अगर इसमें कि निमेटोड्स का रिप्रोडक्शन क्या, तो दोनों क्या सेक्स इसमें सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा इसमें इंटरनल, इनमें दैट मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लार्वा से जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का है डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, यानी इसके अंदर स्टेज मतलब एक स्टेज से चेंज सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल सकता है। इसको हमारे पास एक एग्जांपल है वो एस्केरिस का है, एस्केरिस ध्यान रखना क्लियर, एस्केरिस का आकार जो मेल है वो छोटा होता है, मेल एस्केरिस का जो है वो आकार बहुत ही छोटा होता है ओके, जबकि फीमेल जो है उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। समझ पड़ी तुमको क्या बोला मैं ओके, तो छोटा है मेल कौन सा छोटा है, फीमेल कौन सी इसकी बड़ी आकार में, और क्या होती कॉडल से कर्व, यानी जो उसका ये वाला एंड है, एंड जो है उसे क्या थोड़ा कर्व, क्या उसमें थोड़ा सा कर्व पाया जाता है। क्लियर, इसे एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे एस्केरिस से राउंड बम कह सकते हैं, एनसाइक्लोस्ट्रोमा उसे हम क्या हुक बम बोलते हैं, और जो हुचेरी है उसे बोलते हैं फाइलेरल बम, और ये हुचेरिया जो है ये रेस्पॉन्सिबल है एलिफेंटेसिस मतलब हाथी पैर करने के लिए, अगर किसी बंदों के अंदर लिम्फ के अंदर जाने का ये जम जाएगा ना उसके पैर फूल के मोटे हो जाएंगे हाथी की तरह जाने का, इसे हम बोलते हैं हुचेरिया है। तो कहने क्लियर एग्जांपल ऑफ राउंड बम। गाइस अगर आपको बड़े मजा आ रहा है लाइक शेयर से जुड़ ठोके और आपको मुझे प्यार इस तरह मिलता रहे। प्रेम पूर्वक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।